फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19th of April to 25th of April। तो देखिए, बाजार के अंदर आपको इन 5 दिनों के अंदर क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या दोस्तों बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जिसके ऊपर देखिए आपको अपनी नज़र रखनी है, और यहाँ पे बाजार के अंदर क्या आपको तेज़ी देखने को मिलेगी कि देखिए मंदी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इन सब देखिए टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। तो देखिए, बाज़ार की बात करें तो डेफ़िनेटली ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़िया या फिर ख़राब, देखिए दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि बाज़ार के अंदर एज देखिए रिजल्ट्स आ रहे हैं तो एक जोश भी है, क्योंकि देखिए लगातार आपको रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कोविड के जिस प्रकार से देखिए लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बाज़ार को देखिए चिंता है, और देखना पड़ेगा बाज़ार को कि किस प्रकार देखिए इन नंबर्स को कल लेता है। बिकॉज जिस प्रकार से, जैसा आपको मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था मेरे, कि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों स्ट्रेटजिकली आपको अपना पैसा डालना है, स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो चलिए, ये इसी के बारे में बात करूँगा आपके लिए और आगे। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि बाज़ार के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या होने वाले हैं जिसके ऊपर देखिए पूरे बाज़ार की नज़र रहेगी। तो देखिए, इन 15 चीज़ों पे कल देखिए सबकी नज़र रहने वाली है। कल के लिए इम्पॉर्टेंटली देखिए बात कर रहा हूँ। अब देखिए, कल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा जिस प्रकार देखिए आप देखेंगे मार्केट वॉलेटाइल आपको रहता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अप्रैल देखिए 16 को जब आपको बंद हुआ था मार्केट, तो देखिए यहाँ पर कुछ बढ़िया ग्लोबल संकेत देखने को मिले थे। ऑटो, FMCG, IT, मेटल्स, फार्मा, इन सब ने दोस्तों मार्केट को सपोर्ट दिया था, जिसके कारण देखिए आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया था। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भारी प्रेशर देखने को मिला था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए बैंक्स किस प्रकार देखिए कल रिएक्ट करते हैं। बिकॉज दोस्तों HDFC बैंक के Q4 नंबर्स आए थे, बढ़िया नंबर्स निकल के आए थे। बट देखने होंगे दोस्तों कल किस प्रकार देखिए मार्केट लेता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस के बिलो वाली नंबर आए थे, लेकिन कंपनी देखिए प्रॉफिट रिपोर्ट करने में इस बार भी कामयाब हुई थी। तो कल के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सारे बैंक्स होने वाले हैं, किस प्रकार देखिए उनके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो सारा HDFC बैंक का देखिए जिस प्रकार ये स्टॉक मूव करता है उसके ऊपर देखिए पूरा ध्यान देना होगा। अगर हम बात करें तो देखिए अब मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट जो लेवल होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों 14,785 से लगा 14,652 की रेंज। ये निफ्टी के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, और नियर टर्म में देखिए आप देखेंगे काफ़ी बार निफ्टी ने इस लेवल से बाउंस किया, क्योंकि ये देखिए 100 डे SMA है, ठीक है, जो 14,282 है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखिए इन लेवल्स के आसपास से अगर देखिए मार्केट के जाता है तो इन लेवल्स को देखिए मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे लेना होगा। और अगर ये नहीं टूटता है, और अगर ये टूट जाता है, तो डेफिनेटली देखिए मार्केट के अंदर आपको बियरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बिकॉज कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिस प्रकार का हमको मूव देखने को मिला है 14,700 के ऊपर, वो आप देखिए पुल बैक के टूवर्ड्स देखिए आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, और जो शॉर्ट है उनके लिए देखिए एग्जिट की अपॉर्चुनिटी है, ये काफ़ी बढ़िया। और डाउनसाइड में आप देखिए जो भी वॉयलेशन होगा हमारा इंट्राडे के अंदर 14,550 से लगाकर 14,400 से 14,300, ये एक वीकनेस लेवल है। अगर मार्केट देखिए इसके आसपास ट्रेड करता है 14,400, 14,300, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर बियरिश ट्रेंड चालू हो चुका है, और 14,550 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दोस्तों मेंटेन करना है जिन लोगों ने भी निफ्टी के अंदर पोजीशंस ले रखी है। अब अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वो देखिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि देखिए निफ्टी मिड कैप 100 बहुत ही बढ़िया चल रहा है, 0.98% ऊपर था। और अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने भी काफ़ी बढ़िया देखिए 1.13% की आपको बढ़त देखने को मिली थी। अब देखिए अगर यहाँ पे हम कुछ 15 में आपको जो बात बताने वाला था देखिए जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो है दोस्तों यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कल के लिए। कल के लिए जो न्यूज़ बेस्ड इवेंट होने वाले हैं देखिए उसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा नज़र डालनी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबके अंदर जो न्यूज़ निकल के आएगी उसके ऊपर देखिए कल मार्केट ज़्यादा आपको रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, वो है दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। अब स्टॉक्स कौन से होने वाले हैं दोस्तों देखिए जिनके ऊपर आपको कल नज़र डालनी है। सबसे पहला होगा माइंडट्री। माइंडट्री के देखिए कल नंबर्स निकल के आए थे, और नंबर्स भी आप कह सकते हैं पॉजिटिव साइड पे निकल के आए थे। कंपनी ने देखिए इस बार प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, लेकिन हाँ पिछली बार से थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि माइंडट्री किस प्रकार करता है। बिकॉज माइंडट्री दोस्तों एक कह सकते हैं IT दिग्गज कंपनी है, और जिस प्रकार से देखिए पास्ट में इसने तेज़ी करके दिखाई वो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात कहें तो डेन नेटवर्क्स के ऊपर आपको नज़र डालनी होगी। फिर तीसरा शेयर दोस्तों होगा एग्रोटेक फूड्स, और चौथा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के लिए दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ घाना ने देखिए करीबन इनके 100% ऑफ शेयर्स एक्वायर कर लिए एयरटेल टीगो के, जो उसके कस्टमर्स है, एसेट है, लाइबिलिटीज़ है। और गवर्नमेंट ऑफ घाना ने देखिए भारती एयरटेल और मिलीकॉम इंटर
इंटरनेशनल सेलुलर ऐसे को देखिए अब एग्जीक्यूट कर लिया है और अब सारे शेयर्स इनके पास आ चुके हैं। ये भारतीय एयरटेल के देखिए इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ी खबर निकल के आई है। और दोस्तों बात है वो HDFC बैंक, HDFC बैंक किस प्रकार करता है दोस्तों ये आपको देखना ज़रूर होगा। कोई भी स्टॉक देखिए यहाँ पे FNO के बैन में नहीं है। और FII और DIS की बात करें तो देखिए FIIs ने करीबन 437 करोड़ की आप देखेंगे यहाँ पे खरीदारी करी है, वाइल DIIs ने भी देखिए यहाँ पे करीबन 657 करोड़ के शेयर्स बाय किए हैं। तो ये नंबर जो FII और DII का निकल के आया है वो भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया निकल के आया है कि यहाँ पे देखिए FII और DII लगातार बाय कर रहे हैं और यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी देखिए सपोर्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए आपको कहाँ पे कल नज़र डालनी है, जो आपको मैंने बताया कि मार्केट के अंदर जिस प्रकार, तो मार्केट के अंदर दोस्तों जो लेवल्स आपको बता दिए कि देखिए 14,550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखिएगा। अगर यहाँ से मार्केट टूटता है तो डेफिनेटली देखिए ये लेवल होगा जो सपोर्ट के तौर पर काम आएगा। 14,550 टूटेगा तो फिर देखिए मार्केट आप 14,400 से 14,300 की रेंज में आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर ये रेंज टूटी तो आप समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर बियरिश पैटर्न फॉर्म हो चुका है। तो देखिए वीडियो में को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा था, देखिए आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर थोड़ा सा कॉशियस रहना है। कल कोविड के ऊपर किस प्रकार देखिए मार्केट बिहेव करता है ये सबसे पहले देखिए आपको देखना है। शुरुआत के एक घंटे ट्रेड लेने से बचें, बिकॉज देखिए शुरुआत का एक घंटा आपको बिल्कुल राहत तय कर देगा कि देखिए मार्केट किस तरफ जाने वाला है। और अगर मार्केट में देखिए यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ट्रेड लीजिएगा। देखिए मैं टेलीग्राम चैनल मैंने देखिए खोल दिया है, वहाँ पे आपको देखिए डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।